देखो ध्यान दो, हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखें। अगर किसी क्वेश्चन में ऊपर साइन प्लस कॉस है और नीचे है टर्म ऑफ साइन 2x, नीचे साइन 2x का टर्म है ना? या ऐसा हो सकता है कि ऊपर साइन माइनस कॉस होता और नीचे होता क्या बोलो टर्म ऑफ साइन 2x, नीचे साइन 2x का टर्म होता है ना, ऊपर साइन प्लस कॉस और नीचे साइन 2x का टर्म, या ऊपर साइन माइनस कॉस नीचे साइन 2x का टर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट तो खैर सभी है, जितना हमने पढ़ाया सभी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान दो, जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका तरीका क्या होता है कि हमेशा साइन माइनस कॉस को टी मानेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन प्लस कॉस जो ऊपर है, और इसमें क्या करेंगे ध्यान देना, साइन प्लस कॉस को टी मानेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस माइनस साइन, हालांकि ऊपर साइन माइनस कॉस है, माइनस कॉमन ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाएगा, है ना, ये बात ध्यान दो। देखो जैसे एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, हमारे पास क्वेश्चन है मान लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन थ्री प्लस फोर साइन टू एक्स, मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखो ठीक है, अब देखो ऊपर है साइन माइनस कॉस, नीचे है साइन टू एक्स का टर्म, क्या लिखा ऊपर साइन माइनस कॉस और नीचे टर्म ऑफ साइन टू एक्स, मतलब साइन टू एक्स का टर्म होना चाहिए। टर्म का मतलब उसके साथ में कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन नीचे साइन टू एक्स दिखना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, ऊपर साइन प्लस कॉस हो और नीचे साइन टू एक्स का टर्म दिखाई दे, है ना, टर्म ऑफ साइन टू एक्स। देखो अब साइन माइनस कॉस है तो क्या करेंगे, देखो हम लोग साइन प्लस कॉस को टी मानेंगे, ठीक, डिफरेंशिएट करो तो साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन, और हो गया डी टी बाई डी एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ साइन माइनस कॉस है, काम करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा साइन माइनस कॉस, और ये हो गया डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी, है ना। देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा साइन माइनस कॉस डी एक्स बराबर माइनस डी टी, है ना। देखो ये टर्म ऊपर ले आए, है ना, ये टर्म देखो ऊपर ले आए तो हो गया इंटीग्रल माइनस डी टी, और देखो नीचे क्या है 3 प्लस फोर साइन टू एक्स, ऐसा है। देखो अब देखो क्या होगा, जो नीचे साइन टू एक्स है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, दो कहाँ से, देखो साइन प्लस कॉस बराबर टी है, हम एक काम करें दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, दो क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर, है ना। देखो ये हो गया वन, और ये क्या हो गया साइन टू एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो देखो साइन टू एक्स बराबर क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो माइनस वन अपॉन थ्री प्लस फोर, और साइन टू एक्स की जगह क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस वन और डी टी। ठीक, देखो ये माइनस वन बाहर ले लिया, वन अपॉन देखो ये हो गया फोर टी स्क्वायर और माइनस फोर प्लस थ्री तो माइनस वन और डी टी। ठीक है, अब देखो अकेला टी स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना क्योंकि खाली टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के साथ साथ अगर टी भी होता तब बनाते परफेक्ट स्क्वायर, अकेला टी स्क्वायर है तो क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे वन अपॉन टू टी का होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर टी टी। देखो बन गया फार्मूला वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है वन अपॉन टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो देखो ये माइनस वन बाहर है तो वन बाई टू ए, ए का मतलब वन, और ये हो गया लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, और t की वैल्यू
हमने क्या माना है साइन प्लस कॉस, ये यहाँ पर वापस ट्रांसफ़र करो तो हो गया माइनस वन बाई टू लॉग मॉड, देखो टी की जगह क्या आएगा साइन प्लस कॉस, तो टू ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन, और देखो नीचे ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन का मॉड और प्लस सी। देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बोलो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला, वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। तो वन अपॉन टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और टी की जगह वैल्यू वापस ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ध्यान देना, मतलब ऊपर साइन प्लस कॉस है और नीचे साइन टू एक्स दिखाई दे, या ऊपर साइन माइनस कॉस है और नीचे साइन टू एक्स दिखाई दे, तो हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ता है, है ना। देखो लास्ट में क्या होता है, ये वही फॉर्म बनती है, ऊपर वन नीचे क्वाड्रेटिक। हाँ अब देखो यहाँ पर रूट भी हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता था कि हम नीचे अंडर रूट लगा दें, अगर नीचे रूट लगा देंगे तो ये सब कुछ देखो रूट में आ जाएगा, तो वन अपॉन रूट वाला फार्मूला बन सकता है वो, है ना, रूट वाले फार्मूले थे तीन थे ना, वही बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इस बात को,